नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI द्वारा भारत बायोटेक को COVID-19 रोधी टीके कोवैक्सीन के 2 से 18 वर्ष के बच्चों पर परीक्षण के लिए दी गई अनुमति रद्द करने के लिए दायर याचिका पर बुधवार को केंद्र को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO और भारत बायोटेक को नोटिस जारी किए। इन सभी को 15 जुलाई तक नोटिस के जवाब भी देने हैं। ये याचिका संजीव कुमार ने दायर की है। अदालत ने हालांकि COVID-19 रोधी टीके कोवैक्सीन के 2 से 18 वर्ष के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए 12 मई को दी गई अनुमति पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। क्लिनिकल ट्रायल 525 स्वस्थ स्वयंसेवकों पर किया जाएगा। इन्हें भी टीके 28 दिन के अंतर में 2 खुराक में लगाए जाएंगे। कोवैक्सीन का विकास हैदराबाद आधारित भारत बायोटेक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने किया है। ये उन 2 टीकों में शामिल है जिन्हें भारत में अभी तक वयस्कों को लगाया जा रहा है। कुमार ने अपनी याचिका में संदेह व्यक्त किया है कि ट्रायल में हिंसा लेने वाले बच्चों को टीका लगने से उनका स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि ट्रायल में हिस्सा लेने वाले बच्चों को स्वयंसेवक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह ट्रायल से उन पर पड़ने वाले परिणाम को समझने के सक्षम नहीं है। याचिका में कहा गया है कि स्वस्थ बच्चों पर ये परीक्षण करना हत्या के बराबर है। इसमें इस तरह के परीक्षणों में शामिल लोगों या इसे संचालित करने के लिए अधिकृत लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।